तो यार आज बनाते हैं गोकू। मैंने स्केच बना ली है, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट इंकिंग। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ओहूहू के अल्कोहल मार्कर्स। मैं इसका रिव्यू दे चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो। आई बी यूजिंग दीज कलर्स। लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ हाइलाइट्स। क्या आप लोग ने ड्रैगन बॉल देखा है या कोई एनीमे? कमेंट योर फेवरेट एनीमे नाउ। अब हम लोग करेंगे हम लोग के डार्क एरियाज जो है शेडोज। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक डार्क ऑरेंज। अब मैं इसके कपड़े कलर कर रही हूँ विथ ए लाइट ऑरेंज। तो अब मैं शेडोज़ को फिर से कलर कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे बेस कलर के साथ ब्लेंड हो गए थे। नाउ लेट्स ऐड शेडोज़ फॉर द स्किन। इसके लिए मैं अल्कोहल मार्कर यूज़ कर रही हूँ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द स्किन आई एम जस्ट यूजिंग अ कलर पेंसिल। एंड मेरी कलर पेंसिल बहुत ज़्यादा छोटी है यार। अब द रेस्ट ऑफ द हेयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइट येलो। एंड या वी आर ऑलमोस्ट डन। तो अब मैं थोड़ी सी हाईलाइट करूँगी विद अ वाइट जेल पेन। तो अब तक तो ये बहुत अच्छा लग रहा है बट आई रिवाइंड इट बाय एडिंग सम लाइटनिंग थंडर बोल्ट और समथिंग। तो यार अब तक तो ये फिर भी ठीक लग रहा है, तो ये तो अभी अच्छा लग रहा है। फिर मेरे दिमाग में आता है कि वाई नॉट लेट्स क्रिएट अ बैकग्राउंड। नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है। सो नाउ आई एम आउटलाइनिंग एवरीथिंग विद एन अल्कोहल मार्कर। उसके बाद मेरे माइंड में पता नहीं क्या था, मैं ये कुछ तो ऐड कर रही हूँ वो भी मैसी। तो मैंने सोचा था कि अल्कोहल मार्कर है तो ब्लेंड कर लेंगे, तो आई एडेड सम वियर्ड स्ट्रिकी थिंग्स। उसके बाद मेरा मार्कर बंद हो गया, चल ही नहीं रहा है वो बिल्कुल। चलो थोड़ा पार्ट तो हो गया लेकिन मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना आधा। देखो यार कितना मुश्किल से मैं कर रही हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि लेट्स यूज़ अ कलर पेंसिल। तो बहुत सारी मेहनत के बाद रगड़ रगड़ के कलर पेंसिल मोस्ट ऑफ द स्पेस कवर्ड हो गया था। हाँ ये भी काफ़ी नहीं था और मेरी कलर पेंसिल ख़त्म हो गई। भाई देखो यार इतनी छोटी हो गई। देन आई थॉट ऑफ यूजिंग वाटर कलर। तो यार ये यूज़ करके अब थोड़ा गंदा लग रहा है। ये है रिज़ल्ट, मेरा पेपर ख़राब हो गया। एनी वेज इट वॉज माई फर्स्ट ड्राॅइंग। हियर इज़ द रिज़ल्ट। डू मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब।